अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में और ट्रेजरी बिल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज ट्रेजरी बिल की जो ऑक्शन की वजह से मतलब वो 15% हो गया है, तो उसकी वजह से मार्केट कितनी नेगेटिव थी और अब ये कितना टाइम तक ये इसका असर इस मार्केट पर रहेगा, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और डॉलर रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर अमीन ने उम्मीद दी थी कि 140 हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप बताएं कि आप फिर देखिए, सबसे पहले तो ट्रेजरी बिल के बारे में बात करते हैं कि ट्रेजरी बिल इतना महंगा ऑक्शन हुआ और ये जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी उसकी जो गवर्नमेंट को लिक्विडिटी की ज़रूरत थी वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। और ये कि जो ट्रेजरी बिल में हमारे म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किए वो ज़्यादातर और मार्केट से एग्जिट हो गए थे। और तो लाभ साहब, दो हफ्ते का आप डेटा देख लें, फिडेलिटी डेटा, इसमें आपको यही नज़र आएगा कि इंडिविजुअल की बाइंग हो रही थी, म्यूचुअल फंड की सेलिंग हो रही थी। तो म्यूचुअल फंड के पास कोई जो स्पेशल जो मतलब जो फंड की लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वही मार्केट से जो पैसे इनके जो खुले हुए थे वही लोगों ने ट्रेजरी बिल में ऑक्शन में हिस्सा ले लिया। अब ये कि जो जो इसके बाद जो ट्रेजरी बिल के बाद मार्केट खुली तकरीबन 800 तक मार्केट गई थी, इसके बाद मार्केट ने रिकवर किया। हालांकि ये न्यूज़ के हिसाब से मार्केट कम से कम 1500 से 2000 पॉइंट मार्केट डाउन होनी चाहिए, मगर भी नहीं, मार्केट ने 800 डाउन किया, इसके बाद मार्केट ने रिकवर किया और काफ़ी जो स्टॉक थे जिनके अपर लोग लग गए। और इससे ये नज़र आ रहा है कि मार्केट के अंदर गुंजाइश बहुत मौजूद है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हुए और काफ़ी मतलब काफ़ी आइटम प्लस भी बंद हुई और बड़ी बड़ी जो आइटम है उनकी वो माइनस की तरफ ही, जो इंडेक्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब ये कि जो ये तो होना था तकरीबन 250-260 के करीब मार्केट आखिर में माइनस रही, तो मार्केट ने तकरीबन अपने आप को 90% मार्केट ने कवर कर लिया था। और दूसरा ये कि जो डॉलर की बात कर रहे हैं कि डॉलर 140 हो जाएगा, वो इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि हाँ हमारे पास जो सऊदी अरब से डॉलर आ रहे हैं, IMF के जो 6 अरब डॉलर थे वो 8 अरब की डॉलर की इमदाद आ रही है, तो ये डॉलर जब हमारी जो रिज़र्व के अंदर आ जाएंगे तो डॉलर में ऑटोमेटिक सेलिंग आ जाएगी। जो पाकिस्तानी है जो डॉलर लेके रख के बैठे हुए हैं और जो कंपनियाँ से और जो एक्सपोर्टर कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती है वो पाकिस्तान में डॉलर नहीं मंगा रही थी, वो भी मंगाना शुरू कर जाएगी, क्योंकि मुल्क जब रिज़र्व बढ़ जाएगा तो डॉलर का जो ग्राव थे नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से डबल सेलिंग आ जाएगी। तो ये कि हमारी जो स्टेट बैंक के जो रिज़र्व में एक तो IMF की इमदाद आएगी और दूसरा पाकिस्तानी के जो पैसे आ जाएगी इसे डबल हो जाएगा, तो डॉलर पर एकदम से प्रेशर आ जाएगा। वैसे भी डॉलर से बढ़ने से बिज़नेस खुलता नहीं है, जब बिज़नेस खुल जाता है तो डॉलर के रेट ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, लोग अपने करेंसी को मजबूत होता देखते हैं तो करेंसी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो मौजूदा हुकूमत की कामयाबी होगी कि इससे पहले भी जो मौजूदा हुकूमत गुजर चुकी है और जो माजी की हुकूमत थी वो पाक रुपीस में इतना इंटरेस्ट नहीं था इनका, डॉलर की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था, कि डॉलर की हमेशा चलता फिरता लोग वही बात करते हैं कि डॉलर बढ़ जाएगा 200-250 हो जाएगा। तो इस जो मौजूदा हुकूमत ने कहा है कि हम डॉलर 160 कर देंगे, 140 कर देंगे, तो इनके तो लगता है वो ये उसी सिलसिले में काम करेंगे, वही वर्किंग करेंगे कि डॉलर नीचे आ जाए। अब ये कि जो अभी जब तक ये हुकूमत सही तरह से जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन है या हमारा अकाउंट डेफिसिट ना इंक्रीज हो गया है, तो आपको लगता है कि हमारा डॉलर का रेट कम होगा कि नहीं? नहीं, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। मैंने ये बात भी कही थी कि क्रूड ऑयल अगर ये डाउन हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में तो 140 रुपये डॉलर हो जाएगा। अब ये क्रूड ऑयल 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत आ रहा है और जो हमारे जो रिजर्व जो हमारे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, डॉलर भी हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। अगर ये थोड़ा डिस्काउंट होना शुरू हो जाएगा तो हमारे डॉलर बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरेगा। और ये कि जो मौजूदा हुकूमत में इसमें बिजनेसमैन बहुत इसमें वो करते हैं, इन पर ट्रस्ट बहुत करते हैं, जैसे IMF की जो मुज़ाकरात हुए जो पिछली हुकूमत थी उनके 10-10 दफ़ा मुलाकात होती थी फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आता था, इतनी सख्त शरायत के बावजूद भी 1 अरब डॉलर दिए और इतनी पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली महंगा कर दी, सब्सिडी ख़त्म कर दी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, मगर ये जो मौजूदा हुकूमत में एक ही विज़िट के अंदर 6 अरब डॉलर से 8 अरब डॉलर के 2 अरब डॉलर एक्स्ट्रा दे दिए और ना उतने शख्स शराय रखे। हाँ, ये बात आ रही थी कि पेट्रोल पे सब्सिडी ख़त्म करेंगे, फिर इसके बाद भी तरदीद आ गई कि गरीब मुल्क पेट्रोल पे सब्सिडी देंगे, तो ये हुकूमत ने कहीं ना कहीं से इनका जो पेट्रोल पे सब्सिडी दे रही है कहीं ना कहीं से इनकी रिकवरी कर रही होगी।
ताकि IMF को मुतमईन कर दिया कि यहाँ से हम पेट्रोल को रेट नहीं बनाएंगे, दूसरी चीज़ों में आपको रिलीफ दूसरी चीज़ों में से कवर करके आपको दे देंगे। तो इसमें एक ये अब लग नहीं रहा कि पेट्रोल के रेट बढ़े, जब पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो रुपया मजबूत होना शुरू हो जाएगा। सर वैसे जो आज जो मतलब मार्केट पे इफेक्ट हुआ था ट्रेजरी बिल ऑप्शन की वजह से, इतना 12.25% से इंक्रीज होके और आगे हो गया, तो मतलब इसका इम्पेक्ट आपको क्या लगता है? ये आपको मैंने पहले ही बताया कि म्यूचुअल फंड के पास काफ़ी 15 दिन से म्यूचुअल फंड की सेलिंग थी मार्केट के अंदर और इंडिविजुअल की बाइंग थी, तो म्यूचुअल फंड के पास एक्स्ट्रा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे आ गए थे, तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता जो मार्केट में इनकी जो ट्रेड कर रहे हैं उनके पास काफ़ी अभी भी लिक्विडिटी मौजूद है। वैसे भी ईद के बाद भी एक सुना है कि बहुत बड़ा फंड आने वाला है और ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा। जब मार्केट में स्टॉक मार्केट में के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू डायरेक्ट मिलता है, जब रेवेन्यू मिलना शुरू होगा वॉल्यूम आना शुरू होंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर भी आ जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे तो हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे, तो ये डॉलर पे प्रेशर आ जाएगा, रुपये की रुपीस मजबूत हो जाएगी। सर आपको क्या लगता है कि ट्रेजरी बिल ऑप्शन के बाद क्या मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा अनाउंस होगी, उसमें कुछ इंक्रीज होगा? अभी ये कि उसमें एक डर था कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, वैसे भी 12% बहुत ज़्यादा है और ये जो 15% में जो हुआ है ये 2008 के बाद हुआ है, तो 2008 में जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, अब 2022 के अंदर ख़राब है, तो फिर 2008 के बाद जो नई हुकूमत जो अभी आई है वही हुकूमत जिसने आके कंट्रोल किया था, तो इंशाल्लाह अब वही उम्मीद है कि दोबारा वही हुकूमत आ गई है तो उसको कंट्रोल कर लेगी। तो लगता नहीं है कि स्टेट बैंक के जो है अभी मॉनेटरी इंटरेस्ट से मज़ीद बढ़ाए, क्योंकि काफ़ी कारोबारी जो हजरात हैं उनका भी काफ़ी प्रेशर है कि बहुत ज़्यादा एक तो डॉलर बढ़ गया, दूसरा कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे कारोबार तबाह हो जाएगा, तो अब लग नहीं रहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। ओके सर, और ईद की विशेषता? देखें ईद की मुबारकबाद इंशाल्लाह सबको, इंशाल्लाह ईद हमारे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ से सबको ईद मुबारक एडवांस में, और दूसरे के ईद के बाद एक फ्राइडे होगा वर्किंग डे होगा, इसके बाद मंडे से कंटिन्यूज होगा, तो अगर आपके पास लिक्विडिटी मौजूद है तो आप बाइंग करें। देखें जो 4 दिन की जो बल्कि जब नए वज़ीर आज़म आए थे, जब हलफ उठाया था तो वहाँ जो 1700 पॉइंट की मार्केट जो तेज़ी हुई थी वही रेट दोबारा आ गए, अब देखो वही उसी रेट से दोबारा बाइंग होना शुरू हो गई और जो इंडिविजुअल जो माल लेके गए थे वो सेलिंग पे नहीं आए, और इसके अलावा हमारे जो फंड बेच रहे थे वो काफ़ी हद तक फंड लोग माल बेच के ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट कर ली, अब ये फ़ंड के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि माल सेल करके हम किस तरफ जाएं, तो हो सकता है कि फ़ंड ना बेचे माल, और इंडिविजुअल की बाइंग तो कंटिन्यू चल रही है, और हो सकता है कि फ़ंड भी बाइंग करना शुरू कर दें क्योंकि हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, और ख़ास करके जो पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर, केमिकल सेक्टर के अंदर, फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त किस्म के तारीखी रिजल्ट आए, तो ये जो हुकूमत है वो भी स्टॉक मार्केट को समझती है और चलाने की जानती है, और ये जो फंड वाले को अगर ये कॉल कर देगी बाइंग की तो ये फंड वाले बाइंग करना शुरू कर देंगे, तो मार्केट एकदम शूटअप हो जाएगी, तो आगे इन फ्यूचर बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है, तो आप स्टॉक में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा करें, आप डर के ना करें, अच्छी आइटम के अंदर करें, जो मेघना ने जो वीडियो बनाई थी जो आपको कंपनी इमरान खान का डायलॉग अब जो ना यूज हो, आपने घबराना नहीं है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। देखिए वो घबराने वाला तो वो जो उसका था कि जो डॉलर ले वो घबराए नहीं, तो अब ये कि हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करे जिसके पास पाक रुपीस हो वो अब घबराए नहीं, अब उसकी बारी आई है, जो मुल्क के वफादार लोग हैं उसकी बारी आई है, जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, जो दूसरी मुल्क दुनिया के अंदर काम नहीं करता बिटकॉइन करेंसी या क्रिप्टो या डॉलर के अंदर या गोल्ड के अंदर, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्रियाँ चलाते हैं इनको सपोर्ट करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करता है, वो मुल्क के वफादार होते हैं, वो पिछली हुकूमत पिस गए थे मगर मौजूदा हुकूमत में इंशाल्लाह उनमें जान में जान आने वाली है, और यहाँ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है पाक रुपीज़ के अंदर होती है, तो पाक रुपीज़ को सपोर्ट मिलेगा तो मार्केट को भी सपोर्ट मिलेगा। तो अभी ये कि जो पॉलिटिकल बयान तो अपनी जगह पे है मगर ये कि हम सबसे पहला हमारा मुल्क को देखना है, लीडर की चॉइस अपनी अपनी होती है मगर लीडर की चॉइस से मुल्क नहीं चलता, मुल्क को आप देखना कि जो मुल्क का रुपया मजबूत कर रहा है, मुल्क का कर्जा ख़त्म कर रहा है, मुल्क के अंदर जो महंगाई ख़त्म कर रही है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, वो मुल्क का वफादार होता है, और तो इसकी सबसे बड़ी जो दुनिया में जो रेटिंग गिनी जाती है स्टॉक मार्केट से गिनी जाती है कि इस मुल्क की स्टॉक मार्केट क्या परफॉर्मेंस कर रही है, कितने लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, क्या वॉल्यूम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं,
तो ये काउंट होती है दुनिया के अंदर। तो इसमें एक दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर भी उस मुल्क के अंदर आ जाते हैं। जैसे हमारी मार्केट अच्छी परफॉर्मेंस शुरू गई तो फॉरेन फंड आ जाएगा, जिससे इससे पहले हमारी एशिया की अच्छी मार्केट में शुमार होती थी, मगर ये पिछली गवर्नमेंट में बदनसीबी थी या पता नहीं क्या था जो भी था, बहरहाल को हमारी जो चीप मार्केट में शुमार हो गई क्योंकि हमारा रुपया डाउन हो गया। अब हमारा रुपया मजबूत होगा तो हमारी एशिया की अच्छी मार्केट में शुमार हो जाएगी। तो इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें अगर बुल्स आप वफादार हैं तो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। और आप सब लोगों को पूरी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स की पूरी टीम की तरफ से इन एडवांस ईद मुबारक एंड बी सेफ। सो अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप में से किसी ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक जरूर करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, एंड अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।